स्टडी मंथन चैनल में फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनके हेडक्वार्टर्स और टैगलाइंस के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्स में देखा होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनता है, तो फिर आज हम लोग इनके हेडक्वार्टर्स और टैगलाइंस के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टडी मंथन को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब के सर्च बार में स्टडी मंथन टाइप करें, जिससे कि आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। वहां पर ये देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको आप टैप करते या फिर दबाते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। साथ ही बगल में ये बेल का आइकन होता है, इसको दबाते आपको जो है हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो है पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसने जो है 24th of April 2016 से अपना ऑपरेशन शुरू किया था। जालंधर इसका हेडक्वार्टर है पंजाब में। जो इसका टैगलाइन है वो है विश्वास से विश्वास। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपका इंडिया का, और इसका हेडक्वार्टर आपका जालंधर पंजाब में है। उसका टैगलाइन है विश्वास से विश्वास। सेकंड जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेड ऑफिस आपका जयपुर में है और टैगलाइन इसका चलो आगे बढ़ें। थर्ड हम लोग बात करते हैं दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इसका ये पहले फिनकेयर के नाम से जाना जाता था। इसका हेड ऑफिस है आपका अहमदाबाद गुजरात में। इसने जो है RBI का लाइसेंस पाया, इसने जो है RBI से लाइसेंस पाया आपका मई 2017 में। इसको लाइसेंस मिला है अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑपरेशन शुरू करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्विटास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, और उसका टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। ESAF माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस आपका थ्रीसर केरला में है, और इसका टैगलाइन है आपका जॉय ऑफ बैंकिंग। ये केरला का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये जो है आपका केरला का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाता है। जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका जो है हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसका टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। इसका टैगलाइन है आपका लिखो अपनी कहानी। इसने जो है 29th of April 2017 से अपना का स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है शुरू किया था जनलक्ष्मी बैंक ने। नेक्स्ट जो है RGVN नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। ये जो है आपका RGVN नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेड ऑफिस आपका गुवाहाटी असम में है, और टैगलाइन इसका योर डोरस्टेप बैंकर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इसने जो है 23rd of January 2017 से अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑपरेशन शुरू किया है। इसका हेड ऑफिस आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, और उसका टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल्स। आगे देखते हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया है 11th of November 2016 से, और इसका हेड ऑफिस जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसका टैगलाइन है भरोसा आपके भरोसे पर, वी बिलीव इन योर बिलीव, ये इसका टैगलाइन है। लास्ट हम उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इसका आपका हेड ऑफिस वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उसका टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता। तो टोटल हमारे पास जो है अभी प्रेजेंट टाइम में स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में प्रेजेंट है, वो आपका 10 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेजेंट है। तो ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और पेमेंट बैंक हैं, इनके हेडक्वार्टर्स और टैगलाइन आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए या फिर और भी कई सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।